हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द टेक्निकल में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों, बिना पासवर्ड के आप अपने फ़ोन में वाईफाई को कैसे कनेक्ट करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे रास्ते हैं जिनकी मदद से आप अपने फ़ोन में पासवर्ड ना भी बताओ तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं तरीका मैं आपको बताऊंगा वो है, एक राउटर की सेटिंग आती है दोस्तों, WPS मोड का ऑप्शन आता है राउटर में। WPS के माध्यम से आज हम अपने फ़ोन को राउटर से कनेक्ट करेंगे और दिखाऊंगा आपको कि कैसे, अगर आप भी अपने वाईफाई का पासवर्ड भूल जाते हैं तो कैसे आप अपने राउटर से अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। ऑन हो चुका है दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप साइड में देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस वाले सिग्नल को कनेक्ट करना है वाईफाई जो लिखा हुआ है। अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, देख रहे हैं यानी कोई भी सिग्नल अभी कनेक्ट नहीं है। तो मैं जिस राउटर को कनेक्ट करूँगा दोस्तों वो ये राउटर है, टेंडा का N300 मॉडल है। अगर आपके पास भी ये राउटर है तो आप बड़ी आसानी से आप स्टेप बाई स्टेप देख कर आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी राउटर आपके पास हो तो सेम प्रोसेस होगा, हर राउटर में आपको WPS का एक बटन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो हमें क्या करना है दोस्तों, नीचे जो एडवांस सेटिंग का जो ऑप्शन है दोस्तों इसे क्लिक करना है। देख सकते हैं WPS कनेक्शन का जो ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह का टाइमिंग जो है सो आपका स्टार्ट हो जाएगा 120 सेकंड का। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अपने राउटर में जहाँ भी WPS का बटन दिखेगा उसे हमें पुश करना है। पुश करने का मतलब दबाकर छोड़ देना। तो हमने ये दबा दिया एक बार, अभी हमने एक बार ही दबाया है दोस्तों। अगर एक बार दबाने से अगर वाईफाई कनेक्ट ना हो तो हम दोबारा दबा सकते हैं। दोबारा दबा दिया, देख सकते हैं दोस्तों कनेक्टिंग शुरू हो चुका है, वाईफाई कनेक्टेड। अब आप देख सकते हैं वाईफाई को, वाईफाई का जो हमारा जो सिग्नल नेम है ये कनेक्ट हो चुका है। बिना पासवर्ड डाले WPS की मदद से हमने अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट किया है। तो ठीक इसी तरह आप भी अपने घर के राउटर को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं बिना पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड भूल जाए तो काफ़ी कारगर उपाय होता है ये, या फिर किसी ऐसे फ़ोन में कनेक्ट करना है जिसमें पासवर्ड नहीं डाला हुआ और उस सेम सिचुएशन में हमें जो है पासवर्ड याद नहीं आता है, तो ये ऑप्शन बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Thanks for watching my video. Please like, share, comment and subscribe my channel.